हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने यूज़र अकाउंट में पासवर्ड कैसे लगाएं विंडोज़ 10 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको देते हैं मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पर टेक्नोलॉजी वीडियोस। देखिए, सबसे पहले हम खोलेंगे कंट्रोल पैनल। यहाँ टाइप करेंगे कंट्रोल, CONTROL। इतना लिखते ही कंट्रोल पैनल सामने आ जाएगा हमारे। अगर इतना लिखने से नहीं आता है तो पूरा कंट्रोल पैनल लिखें यहाँ पे और एंटर करें। ये कंट्रोल पैनल हमारे सामने खुल के आ गया। इसके अंदर खोलेंगे हम यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट खोलने के बाद हम क्लिक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप, मैनेज अनदर अकाउंट, यानी कि इसके अलावा जो भी हमारे अकाउंट हैं हम उनको मैनेज करना है। इस पर क्लिक करेंगे, हमें दो अकाउंट दिखा रहा। हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर में दो अकाउंट बने हुए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक स्टैंडर्ड यूजर है। तो हम सपोज इस वाले यूजर में पासवर्ड लगाना चाहते हैं। अभी जैसे हम लॉगिन करते हैं इस यूजर से तो सीधा लॉगिन हो जाता है। अगर कोई भी लॉगिन करे इसके अंदर तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। ऐसे हम इसके अंदर सेटिंग करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे इस अकाउंट पर। इस पर क्लिक करने के बाद हमें पांच ऑप्शन मिलते हैं, चेंज द अकाउंट नेम, क्रिएट ए पासवर्ड, चेंज द अकाउंट टाइप, डिलीट द अकाउंट, मैनेज अनदर अकाउंट। दोस्तों, इसके अंदर ये हम चारों एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज हमें इसका नाम चेंज करना है, ये नाम हमारा अच्छा नहीं है, दूसरा नाम रखना है कोई, तो चेंज द अकाउंट नेम पे क्लिक करके यहाँ से जो भी हमें नया नाम रखना है उसको नया नाम दे सकते हैं हम, और अगर नहीं देना है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, यदि हमें इसके अंदर पासवर्ड क्रिएट करना है, जो हमारा बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर हमें पासवर्ड लगाना है, तो कैसे पासवर्ड इसके अंदर बनाएं, उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट ए पासवर्ड पर। जैसे क्रिएट ए पासवर्ड पर क्लिक करेंगे विंडो हमारे सामने खुल के आएगी। ये हमसे पूछ रहा है न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और टाइप है पासवर्ड हिंट। तो हम इसको यहाँ पासवर्ड दे देते हैं। सपोज मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ AMBOLAS@2। फिर यही पासवर्ड हमें नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड में टाइप करना है सेम। और दोस्तों, कुछ हिंट्स होते हैं पासवर्ड के। सपोज फ्यूचर में अगर हम भूल जाते हैं पासवर्ड, तो कोई ऐसा हिंट हो जो उसको देखने के बाद हमें पता चल जाए हमारा पासवर्ड क्या है। तो मैं इसको दे देता हूँ हिंट 2, क्योंकि नाम तो हमारा है ही और पासवर्ड हमारे साथ में, जो हिंट है वो इससे पता चल जाएगा। और यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट ए पासवर्ड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इसमें पासवर्ड लग चुका है। तो अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज द अकाउंट टाइप। इसमें कंप्यूटर में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और दूसरा स्टैंडर्ड होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको सारे काम करने की अथॉरिटी होती है, जो स्टैंडर्ड यूजर होता है उसको हम एक लिमिटेड यूजर की अथॉरिटी दे सकते हैं, उसको एक लिमिटेड राइट्स दे सकते हैं, उसको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। यहाँ से क्लिक करके चेंज अकाउंट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड अकाउंट कैन यूज मोर सॉफ्टवेयर एंड चेंज सिस्टम सेटिंग दैट डोंट अफेक्ट अदर यूजर्स और सिक्योरिटी ऑफ दिस PC। और ये दूसरा ऑप्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटर का है, एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द PC, दे कैन चेंज एनी सेटिंग एंड एक्सेस ऑल ऑफ द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन द PC। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के जो यूजर अकाउंट हैं उसके अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं। और यदि हमें ये अकाउंट डिलीट करना है तो सीधे डिलीट पे क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा अकाउंट मैनेज करना है तो अदर अकाउंट पे क्लिक करके हम दूसरा अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। सपोज हम क्लिक करते हैं और हमारे सामने जितने भी अकाउंट हैं इस कंप्यूटर के वो सामने खुल के आ गए हैं, जो हमें मैनेज करना है हम कर सकते हैं।